हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प टेम के। आज आपको बताएंगे और दिखाएंगे होल सेंसर के बारे में। जो मोटर है, मोटर का होल सेंसर के बारे में बताएंगे। हमने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, होल सेंसर कैसे चेंज करना चाहिए, होल सेंसर खराब होने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा वीडियो हमने बनाया है। वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो आज जो बताएंगे होल सेंसर, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था, बहुत दादा लोगों ने कमेंट किया है, जो होल सेंसर नया लगाने के बाद भी कुछ कुछ गाड़ी में ऐसा होता है, नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है, आज का वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो इसलिए कह रहे हैं, बहुत पूछा था, बहुत ने मेल किया था मुझे, जो बताइए नया होल सेंसर लगाने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में आज डिटेल्स बताएंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है, हम वीडियो में आप लोगों को दिखाया है होल सेंसर चेंज करना और आप लोग कर नहीं पाए, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम जो वीडियो में आप लोगों को दिखाते हैं वो जेन्युइन वीडियो दिखाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी होता भी है, जो होल सेंसर लगा देते हैं लेकिन नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है आज का वीडियो में बताएंगे डिटेल्स। इसे हमने सोचा है ये वीडियो करना चाहिए, जितना वीडियो में कमेंट है होल सेंसर के बारे में बहुत सारा ज्यादा कमेंट है, इसीलिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, सभी प्रॉब्लम के बारे में, होल सेंसर खराब होने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो आज का वीडियो में नहीं बताएंगे। आज सिर्फ ये बताएंगे जो होल सेंसर नया लगाने के बाद भी नहीं होता है क्यों, ये आज का वीडियो में बताएंगे। तो क्यों नहीं होता है वो सबसे पहले बताते हैं। देखिए, तो देखिए, ये जो होल सेंसर हम लोग लगाते हैं नया वाला, कभी कभी क्या होता है, ये मैच नहीं करता है कंट्रोलर के साथ, गाड़ी का जो कंट्रोलर होता है उसके साथ मैच नहीं करता है नया होल सेंसर। ये होल इफेक्ट सेंसर जो कंपनी का लगाया हुआ आता है, कंपनी देता है, वो अगर आप लगाते हैं, अगर आपको मिलता है तो शायद काम कर जाएगा, लेकिन जब भी मार्केट में आप खरीद के लगाएंगे ये होल सेंसर कंट्रोलर के साथ मैच नहीं करता है। कंट्रोलर में जितना इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है इसमें आईसी भी रहता है, तो आईसी इसको कनेक्ट नहीं कर पाता है, मैच नहीं कर पाता है, इसीलिए गाड़ी नहीं चलता है। ज्यादातर ये फॉल्ट होता है कौन कौन गाड़ी में, देखिए हीरो का गाड़ी में कोई भी होल सेंसर अगर होगा तो लग जाता है, हीरो का जितना गाड़ी है हमने देखा है होल सेंसर दूसरा लगाते हैं तो आराम से हो जाता है, यो गाड़ी में भी हो जाता है, ओरेबा गाड़ी में भी हो जाता है, दूसरा मॉडल का होल सेंसर लगाने से भी लग जाता है। ये ज्यादातर प्रॉब्लम आता है एम्पियर रियो मॉडल पर, एम्पियर कंपनी का जो गाड़ी है उसमें कभी कभी क्या होता है, दूसरा होल सेंसर लगा देने पर एम्पियर गाड़ी में नया होल सेंसर लगाने के बाद भी ये काम नहीं करता है, इसीलिए कंट्रोलर उसको मैच नहीं कर पाता है, इसीलिए नहीं चलता है। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए वो भी आज आपको वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, ये कॉयल सारा ठीक है, होल सेंसर नया लगा दिया फिर काम नहीं करता है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए, तब आपको लोकल कंट्रोलर लगा देना होगा, जो दूसरा कंपनी का कंट्रोलर होता है, एमटेक कंपनी का मिलता है और दूसरा कंपनी का भी मिलता है, कंट्रोलर लगाते हैं तो गाड़ी कभी कभी चल जाता है, हमने किया है, मतलब होल सेंसर नया लगाया और जो कंपनी का कंट्रोलर है मतलब चेंज करना पड़ता है, नया दूसरा कंपनी का कंट्रोलर लगाना पड़ता है, मार्केट में मिलता है, ऑनलाइन पर भी मिलता है, वो लगा देने से कभी कभी ये गाड़ी चल जाता है। और क्या होता है, देखिए दूसरा कंपनी का जब भी कंट्रोलर आप लगाएंगे तो उसका कलर मैच नहीं करेगा, जो कलर आप लगाएंगे ये कलर मैच नहीं करेगा और सेंसर का ऑयल भी कलर नहीं मैच करेगा, बहुत सारा ऑयल रहता है तो उसको आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सेंसर का कलर मैच करके लगाना होगा और मेन कॉइल का जो फेज ऑयल है, मोटर का जो फेज ऑयल है तीनों, उसको भी मैच करके लगाना पड़ेगा तो गाड़ी हो जाएगा। हमने ऐसा बहुत गाड़ी में किया है,
दूसरा कंट्रोलर लगा दिया तो हो गया है, तो आपको मोटर चेंज नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो आपको अगर कंट्रोलर नहीं लगाते हैं तो आपको मोटर चेंज करना पड़ेगा, तभी काम होगा। मोटर कंट्रोलर कभी कभी मोटर कंट्रोलर दोनों ही चेंज करना पड़ता है तब होता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। जो नया सेंसर आप लगाए हैं वो कंट्रोलर मैच नहीं कर पाता है, इसीलिए गाड़ी नहीं चलता है, इसलिए आपको कंट्रोलर चेंज कर देना होगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एम्पियर में होता है, कुछ कुछ मॉडल में ऐसा होता है, लेकिन जो मॉडल में नहीं होता है ज़्यादातर, हीरो में नहीं होता है ऐसा, ओरिवा में नहीं होता है, जियो गाड़ी में नहीं होता है, उसमें ज़्यादातर सेंसर मैच कर जाता है ये तीनों कंपनी में। तो आज का वीडियो में होल सेंसर का बारे में बताना था, इसलिए आप लोगों को बताया, क्लियर आपको समझ में आए, इसलिए मैंने सोचा था जो वीडियो बनाए, इसलिए वीडियो बना दिया सेंसर के बारे में। तो आज का वीडियो इतना ही, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दूसरा वीडियो में।